फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि सब सभी स्वस्थ होंगे। आप ऑनलाइन क्लासेस चूंकि स्टार्ट हमारी हमने कर दी है, मैथ्स के फिजिक्स के लेक्चर भी आ गए हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम ऑनलाइन क्लासेस के जरिए ही कंप्लीट कर देते हैं। शायद मेरे हिसाब से एक यूनिट या लगभग 1.5 यूनिट का पार्ट हमारे बचा हुआ है। उस हाफ पार्ट को एक बार हम स्किप करते हुए नई यूनिट स्टार्ट करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा समझने वाला पार्ट है, क्योंकि लगभग पार्ट चूंकि हमारा थ्योरेटिकल पार्ट बचा हुआ है तो समझने वाला जो पार्ट है वो हम कंप्लीट करते हैं और थ्योरेटिकल पार्ट जो कि मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम देखते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम हिंदी में इसको बोलते हैं अपन साम्य अवस्था। जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि साम्य अवस्था क्या होती है, आपको एक सिंपल से ग्राफ के थ्रू मैं इसको समझाता हूं। एक केमिकल रिएक्शन है ए प्लस बी जो बनाती है सी प्लस डी। एक सिंपल केमिकल रिएक्शन है जो कि ए प्लस बी रिएक्टेंट है और C प्लस डी प्रोडक्ट है। तो ये जो A प्लस बी C प्लस डी में कन्वर्ट हो रहे हैं, इट मीन्स एट द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग A प्लस बी की कंसेंट्रेशन हमेशा हाई होगी और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन उस समय जीरो होगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, रिएक्शन कंप्लीशन पे जाएगी, वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन में कमी आएगी जबकि प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन में वृद्धि होगी। तो इस दौरान इसके बीच में एक ऐसी अवस्था आती है जहां पर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन दोनों आकर एक ही पॉइंट पे मिल जाती है। उस पॉइंट को अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट या साम्य अवस्था। जैसा ग्राफ में अपन देखते हैं, देखो ये आपके पास में एक कर्व लेते हैं अपन, इस प्रकार का कोई कर्व है जिसमें ये कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट की। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन मैक्सिमम है, जिसको अपन ने बोला ए प्लस बी, जबकि प्रोडक्ट C प्लस डी की कंसेंट्रेशन शून्य है, जीरो है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन में हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर देखने को मिला, जो कि आप ग्राफ पे समझ रहे हैं। ये ग्राफ अपने अपर लेवल से लोअर लेवल की ओर मूव कर रहा है। ये शो कर रहा है कि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो रही है वैसे वैसे डिक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स ये दोनों रिएक्शन एक प्रकार से एक साम्य के रिएक्शंस होती हैं, साइमल्टेनियसली चलती है। इधर से रिएक्शन का ग्राफ, रिएक्टेंट का ग्राफ कम होगा तो इधर से प्रोडक्ट का ग्राफ बढ़ना शुरू होगा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जिसे हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन आकर के इक्वल हो जाती है, समान हो जाती है। इट मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही जगह पर आकर मिल रहे हैं, दोनों की कंसेंट्रेशन एक ही जगह पर आकर कंप्लीट हो रही है, एक ही जगह पर आकर मिल रही है, वहां पर दोनों समान है, इसलिए हमने इसको नाम लिया इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट के कम होने की दर, प्रोडक्ट के बढ़ने की दर, इन दोनों के बीच की एक ऐसी अवस्था जहां पर दोनों की कंसंट्रेशन कॉमन होती है, बराबर होती है, उसे हम नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि हमने एक सिंपल रिएक्शन के लिए देखा, एक तो रिएक्शन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन,
एक रिएक्शन होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है कि जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का आपस में वापस एक्सचेंज हो जाए, इट मींस रिएक्टेंट इज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट अगेन कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। इट मींस कि भाई जो अभिकारक है वो उत्पाद बनाए और उत्पाद वापस अभिकारक में चेंज हो जाए, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अपन नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दूसरी होती है इरिवर्सिबल, मींस इसमें क्या होगा कि रिएक्टेंट केवल प्रोडक्ट ही बनाएगा, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, इस प्रकार की रिएक्शंस कहलाती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो अब रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम पॉइंट अपन पढ़ सकते हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं एक कि भाई इस प्रकार की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई इक्विलिब्रियम जो स्टेट है, इस इक्विलिब्रियम स्टेट में कैटलिस्ट का क्या योगदान रहता है। तो देखो एक ग्राफ और बनाता हूं, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये वाला जो ग्राफ है वो है विदाउट कैटलिस्ट, और एक जो मैं ग्राफ बना रहा हूं वो है विद कैटलिस्ट, जो कि मैं यहां पर डॉटेड लाइन के थ्रू शो कर रहा हूं। इसमें क्या हो रहा है, देखो कि जैसे ही मैंने A प्लस बी को कंप्लीट करने के लिए और C प्लस डी को कंप्लीट करने के लिए इसमें कैटलिस्ट मिलाया, तो कैटलिस्ट मिलाने पे क्या होगा, हमेशा हमको पता है कि कैटलिस्ट एक प्रकार का उत्प्रेरक है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, यानी प्रोडक्ट को बनने की दर को फास्ट करता है। तो रिएक्टेंट जो कि कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट जो कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में, दैट इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट विदाउट कैटलिस्ट की बात करें तो वो इस ग्राफ के थ्रू आप देखें कि यहां पर विदाउट कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट बहुत लेट आता है, यानी ये यहां पर पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा, तो दोनों धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन जैसे ही मैंने कैटलिस्ट मिलाया विद कैटलिस्ट तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बहुत पहले ही यहां पर आ गया, यानी जितना जल्दी इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा प्रोडक्ट के बनने की दर उतनी ही जल्दी हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि कैटलिस्ट आप मिलाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी इट मीन्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी जल्दी हो जाएगा। ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन पार्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम का, इसके आगे के पार्ट को अपन दूसरे टॉपिक में, दूसरे वीडियो में आप देखेंगे।